पेट्रोल डाल दे 10 रुपए का। ढक्कन खोलो। अरे डालना। अरे ढक्कन तो खोलो या का। अरे तू ऐसे ही डाल दे गाड़ी के ऊपर। अरे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तू ऊपर ही डाल दे ऐसे ही, चलानी किसको है, मुझे तो आग लगानी है इसमें। साला इतना महंगा पेट्रोल हो गया, गाड़ी चला के बर्बाद होना है क्या? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तुम्हारी, गाड़ी को आग लगाना चाहते हो? अरे आग तो तुम लगा रही हो मेरे पैसे में। महंगा पेट्रोल है लेकिन पार्लर जाएंगी तो गाड़ी से जाएंगी, मार्केट जाएंगी तो गाड़ी से जाएंगी, वॉक करने जाएंगी तो भी गाड़ी से जाएंगी। हाँ, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी, मेरे बाप ने दी है गाड़ी। तो अपने बाप से एक पेट्रोल पंप भी ले ले दहेज में। जितना महंगा पेट्रोल है ऐसे में तो वही झटका झेल सकता है जिसका खुद का पेट्रोल पंप हो। अरे तो मेरे पे क्यों फनफना रहे हो, हो जाएगा सस्ता। अच्छा कब होगा सस्ता? जब चाइना वाले पेट्रोल निकालेंगे तब, तभी सस्ता होगा। अब तो अरे भाईया, जो गाड़ी अपने दम पर खरीदता है वो पेट्रोल डलवाने की क्षमता रखता है। दिक्कत तो उन लोगों की है जिन्हें गाड़ी दहेज में मिली है। सही कहा भाई आपने, वो कभी सरकार को कोसते तो कभी ससुराल वालों को, अब पेट्रोल भी ससुरैया डलवाएंगे क्या? अच्छा इसकी तरफ से बोल रही है, इसके साथ ही चली जा, वो तो तैयार खड़ा है भागने को। ससुरी लोग आई है मेरी साइड, उसकी ले रही है। भैया पेट्रोल क्या भाव दिया है? मैडम 101 रुपए लीटर। जरा ठीक से लगाओ भैया, तुम्हारे बगल में तो 91 का दे रहा है। वो डीजल वाली मशीन है मैडम, भरवा लो सस्ता है। नहीं रहने दो, फिर भी पेट्रोल सही रेट लगा लो। अरे मैडम आप आलू खरीदने आई हो क्या, जो मोल भाव कर रही हो? अरे मेरे घर में नहीं बनता पेट्रोल, ऊपर से रेट बढ़ रहा है, मालिक का पंप है, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो भैया, पिछले 5 साल से यहीं से पेट्रोल ले रही हूँ। झूठ की भी एक सीमा होती है बहन जी, अभी तो 2 साल हुए इस पेट्रोल पंप को खुले हुए। अबे मर गया, एक तो महंगाई ऊपर से धक्का पेल। अरे लल्ला पहले मेरी में डाल दे, मैं तनिक जल्दी में हूँ। पहले मैं आई थी तो मैं ही डलवाऊंगी, और तुम्हारी तो टंकी फुल थी। अरे तो डलवा तू ही, लड़ क्यों रही है, खड़ी है। जब तक रेट सही नहीं लगाएंगे तब तक नहीं डलवाऊंगी, और ना अपने से पहले किसी को डलवाने दूंगी। नमस्कार, मैं हूँ ढोलक चंद, कैमरामैन टुन्ना के साथ। देखिए आज हम आए हैं ढिमका पंप, यहाँ महंगा पेट्रोल को लेकर मचा है हड़कंप। अरे लल्ला के मच रही हो, कैसे माइक लेके फिर रहा है इधर से उधर? देखिए महंगे तेल को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, और पेट्रोल के मालिक कहाँ हैं? अबे मालिक गए तेल लेने। क्या कोई बता सकता है कि खुद का पेट्रोल पंप होते हुए मालिक तेल लेने गया है? मैं बताता हूँ। मेरे मुंह पर मारेगा इसे, पीछे को कर ले, कतई मुंह पर चढ़ने को तैयार है। सॉरी ताऊ जी, बताइए खुद का पेट्रोल पंप होते हुए मालिक बाहर से तेल लेने गया है? अरे यहाँ बहुत महंगा दे रहा है हमें, जहाँ सस्ता होगा खुद वहाँ से लेके आएगा। किन गवारों से पाला पड़ गया, अबे वो सांडे का तेल लेने गए हैं मालिश के लिए। तो देखा आपने, पेट्रोल पंप पर हड़कंप मचा है और मालिक गया है सांडे का तेल लेने। अरे टुनटुनी को बंद कर दे पागल, बंदरिया की तरह उछल रहा है इधर से उधर। देखो हम बता रहे हैं, ज्यादा झमेला मत लगाओ, लेना हो तो लो वरना उल्टा पैर खिसक लो। तो देखा आपने, एक मामूली सा तेल डालने वाला लोगों को कैसे धमकी दे रहा है, लेना हो तो लो वरना जाओ यहाँ से। बोलो कितने का डाल दूं? भैया टंकी फुल कर दो। ऐसे क्या तेरा बाप देगा, बातों से नहीं होती टंकी फुल, इतना बजट नहीं है। तो भाइयों देखा आपने, टंकी फुल के नाम से ही लोगों का पारा चढ़ जा रहा है, अपनी बीबी को किस तरह से फटकार लगा रहा है ये युवक। अरे लल्ला जब तेरी घरवाली कह रही है तो करवा ले टंकी फुल। अजी हो गई टंकी फुल, फुल करवाने के लिए जेब भारी होनी चाहिए। तो जेब में 2 ईंटें रख ले। अरे मेरा मतलब जेब पैसों से भारी होनी चाहिए, ईंट पत्थरों से नहीं। अरे तो 5-5 के सिक्के डाल ले 500 रुपए के। मैं नू कह रही जी, इस बार करा लेते टंकी फुल। हाँ जमीन बेच के कराऊं टंकी फुल, या घर को गिरवी रख दूं, कर्जदार हो जाऊं टंकी फुल करवाने के चक्कर में। नमस्कार, तो देखा आपने, पेट्रोल के कारण अपनी सगी घरवाली पर किस तरह भड़क रहा है युवक, केवल पेट्रोल महंगा होने की वजह से। आज के लिए स्कर्ट ही देखता हूँ, चल भाई 30 रुपए का कर दे। 30 का क्या करोगे, 3 का ही डलवा लो, ये तो गले में ही रह जाएगा इसके। शर्म ना आ रही होगी 30 का डलवाते हुए, डूब के मर जाओ, कम से कम 500 का तो होता। अरे तो कौन सा विदेश जाना है हमें, यहीं मंडी तक पहुंचना है और गाड़ी बेचकर 2 साइकिल रिक्शा लेना है, पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ेगा और पैसे भी आ जाएंगे। नमस्कार, तो देखा आपने, पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए लोगों ने गाड़ी को भी बेचने का फैसला कर लिया है। ओ भाया 30 का मत डाल,
डालना, ये आदमी कुछ दिमाग से खिसका हुआ है। अरे पेट्रोलियम तू डालना, मेरी लुगाई है, मुझे मारेगी, तू क्यों डर रहा है? ओ भाया, यो आदमी रिक्शा चलवाएगा मेरे से भरी जवानी में और उसका जिम्मेदार होगा तू। अरे मियाँ बीबी का झगड़ा है, फैसला कर लो डलवाना है कि नहीं डलवाना, इतने में तो हम ले लेते, हमें क्यों लेट कर रहे हो? हाँ लल्ली आराम से सुलटा लो, इतने में लोगों को लेने दो। तो देखा देखा आप लोगों ने कैसे पेट्रोल को लेकर मियाँ बीबी झगड़ रहे हैं, लोगों के घर जल रहे हैं पेट्रोल में, महंगाई के इस दौर में। हाँ कितने का डाल दूं? सही रेट लगा लो, पूरा 1.25 लीटर लूंगी। मेरा माल नहीं है जो सही रेट लगा लूं, ये ऊपर से घटता बढ़ता है। ऊपर क्या, पेट्रोल पंप की छत पर बैठा है कोई? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमको दूंगा ही नहीं। तू देगा, जरूर देगा, और भाव घटा के देगा। अरे निकल यहाँ से, भाव नहीं घटेगा, कपड़ों की दुकान है क्या ये? चप्पल जूती बेच रहा हूँ मैं, सब्जी खरीदने आई हो यहाँ? महिलाओं से ऐसा व्यवहार करता है दुष्ट प्राणी। अरे लुगाई छेड़ता है मेरे सामने। नमस्कार, तो देखिए देखिए हालत बेकाबू हो चुके हैं, यहाँ दंगा होने वाला है, पब्लिक का पेट्रोल वालों पर गुस्सा फूट रहा है। नमस्कार ताऊ, ये जो प्रदर्शन किया है आप लोगों ने, इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है? मुझे क्या पता क्या संदेश जा रहा है, मैं यहीं था और तू भी यहीं था। नमस्कार, इस हादसे के बारे में कहना क्या चाहोगे तुम? मुझे क्यों धोया, पेट्रोल के दाम बढ़ाए सरकार ने, बेच रहा है पेट्रोल पंप मालिक और लोग छेड़ गए मुझे, मैं तो नौकरी कर रहा था, मैंने थोड़ी बढ़ाया है भाव। नमस्कार, तो कैसा लग रहा है पब्लिक से मार खाकर, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो? अजीब पागल हो यार, पिटने के बाद कोई कैसा महसूस करेगा? नमस्कार, मतलब आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? भाई बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर खुले आम नहीं बता सकता, ये कैमरा बंद कर ले पहले, वरना लपोड़ी लंबी हो जाएगी। नमस्कार, हाँ जी ये लो बंद कर दिया, पर बाद में रिकॉर्ड करूंगा मैं। क्यों नहीं, जरूर, मैं खुद लाइव आ जाऊंगा।